हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी हाइड्रा से रिलेटेड टॉप फाइव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। और इससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप फाइव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सबसे निम्न स्तर का तंत्रिका तंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। एंड सेकंड क्वेश्चन, सहजीविका लाभदायक होती है? तो ऑप्शन नंबर ये है इसका, पोषदियों परजीवी दोनों के लिए, सेकंड केवल पोषद के लिए, थर्ड दोनों में से किसी के लिए नहीं, एंड लास्ट केवल परजीवी के लिए। तो इसका राइट आंसर है पोषद एवं परजीवी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर ये। एंड थर्ड क्वेश्चन, किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए काकरोच, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीबा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की नेमेटोसिस्टस किस कार्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर ए स्वाद ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी रसायन संवेदना, ऑप्शन नंबर सी शिकार को पकड़ना, ऑप्शन नंबर डी शिकार को पकड़कर अचेत करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिकार को पकड़कर अचेत करना। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की देह गुहा होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसील, ऑप्शन नंबर बी हीमोसील, ऑप्शन नंबर सी सीलेंट्रान, एंड ऑप्शन नंबर डी सिलोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीलेंट्रान। एंड दोस्तों अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, या आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।